हाई गाइज वेलकम टू माई चैनल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो दैट मैं आपको यहाँ पर विलेज लाइफ दिखाऊँगी सो टूडे आई एम गिविंग यू माई रूम टू बट क्या है अभी ये फुली मैंने सेट नहीं करा है क्योंकि माई होम इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन तो मेरा रूम वैसे कम्प्लीट हो चुका है बट इसमें वॉर्निश एंड यू नो बेड्स प्रॉपरली मैंने कुछ सेटअप नहीं करा है बट जो मैंने थोड़ा बहुत सेटअप करा है उसका टोर मैं आपको देना चाहती हूँ फिर बाद में जब ये पूरा फुली अच्छे से पेंट वेंट होके वनिश होके पूरा अच्छा मतलब मैं पूरा प्रॉपर बना दूंगी देन आई एल गिव यू फुल कम्प्लीट रूम टोर बट अभी के लिए आई एल गिव यू माई अनफिनिश्ड रूम टूर सो सो दिस इज़ द एंट्री वैसे एंट्री मेरी यहाँ से है और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है फैल शो यू ये मतलब सारा अन मतलब कंस्ट्रक्शन करना ही देखिए रात को बहुत सुंदर लगता है और दिन में इट लुक्स वेरी गुड तो यहाँ से हमारी एंट्री है अभी ये सारा कंस्ट्रक्शन होना है मतलब बचा है बट चलो मेरा रूम ऑलमोस्ट डन है ये है मेरा मेन डोर यहाँ से आप एंटर करते हैं ये है चेस्टर चेस्टर से हाय टू एवरीवन से हाय ओके सो ये है ये है मेरा बेड जो कि मैंने सिर्फ मेट्रेस लगा के अभी सेट करा है और ये पीछे भी मैंने मेट्रेस लगाया है क्योंकि हम मेरे अगर आप मेरे रूम में देखो तो ये पूरा वुडन है दिस इज पाइन ओक तो ये ख़राब ना हो जाए क्योंकि इसमें अभी वॉर्निश होना है तो ओके okay, यहाँ से एंट्री करते हुए ये है मेरा बेड ठीक है जी और ये साथ में है मेरी कॉर्नर शेल्फ अगर इस कॉर्नर शेल्फ़ का मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही यूनिक आइडिया था ये मैंने पिंट्रेस्ट से देखा था या आई हैव गूगल्ड इट ऐसा समथिंग तो वहाँ से मैंने ये कॉपी करके इसमें थोड़ा सा मॉडिफ़िकेशन करके इसको अपना बनाया है तो ये जो अगर आप पेड़ देख रहे हैं ये असली पेड़ है ये असली चील का पेड़ है तो इसको काट के इसमें बीच में शेल्फ्स डाल के तो अभी मैंने यहाँ पर अपना बुक्स एंड ऑल नहीं रखा है क्योंकि अभी मैं प्रॉपरली यहाँ नहीं सामान रखना चाहती और फिर आप देखेंगे तो ये है मेरा साइड uh, में सीटेड एरिया ठीक है अभी मैंने कर्टन हैंग नहीं करे हैं होपफुली नियर फ्यूचर में मैं करूं और ये है मेरा ये है मेरा टीवी कैबिनेट ठीक है ये मैंने थोड़ा डेकोरेट कर दिया है विद माय बुक्स और थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम्स लगा दिया है फिर यू कैन हम यहाँ से चलते हैं मेरे जैसी के बर्तन ये है मेरा फुल फ्लैज मिरर और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें प्लास्टिक है अभी मैंने रिमूव नहीं करा है ठीक है और ये है ऊपर इसमें हमने लाइट लगा लगवाई है फिर ये पूरा ड्रेसिंग टेबल के साथ पूरा uh, mm, मतलब स्टोरेज रूम बनाया है उसके बाद जी ये मेरे साइड टेबल्स है और अब मैं आपको अपना सीलिंग दिखाती हूँ दिस इज माई सीलिंग अंदर से दिखाती हूँ दिस इज माई सीलिंग इसको मैंने फूल की शेप देने की कोशिश करी है बट ये थोड़ा थ्री डी इफेक्ट में नहीं आया जैसा मैं चाह रही थी बट आप देख सकते हैं इसमें ये जो आपको छोटा छोटा ब्लैक दिख रहा है ये नेल्स हैं लगी हुई है इसमें ये रिमूव करानी है ये रिमूव तब होगी जब इसका वार्निश होएगा ओके okay, और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर भी लाइट है तो मैं आपको फर्स्ट इस लाइट का इफेक्ट दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा अगर मैं अपनी सारी लाइट बंद कर देती हूँ तो दिस लुक्स लाइक दिस और ये थोड़ा सॉरी ऊपर से नीचे हैंग कर गई है इसको हम बाद में ऊपर करेंगे और नेक्स्ट है मेरा आ, जो सबसे अच्छी चीज़ है मेरे रूम की इज़ दिस